अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों पीठ के शंकराचार्य ने आक्षेप दर्शा है। इस मुद्दे पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर जितेंद्र आव्वाड ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया, ऐसा जब पूछा जाता है तो अब इसका सवाल क्या, जवाब क्या देने का है। आदि शंकराचार्य ने जो कार्य किया, तब की जो धार्मिक लड़ाई थी वो खत्म की और हिंदू धर्म को एक करने का काम करके आगे बढ़ाया। आज जो हिंदू धर्म दिख रहा है वो सिर्फ आदि शंकराचार्य की मेहरबानी है और ये पीठ अभी के नहीं है। आदि शंकराचार्य के जमाने से ये पीठों का निर्माण किया गया है। अब जो बैठे हैं वहाँ पे वो आदि शंकराचार्य के उत्तराधिकारी है और आप पूछते हो कि शंकराचार्य ने किया क्या, तो इसका मतलब आपको हिंदू धर्म ही न मालूम। इसी के लिए बोलते हम विचारों से लड़ो। हमारे कुछ विचार है, आपके कुछ विचार हो सकते हैं, हमारा वैचारिक संघर्ष होना चाहिए। हम वैचारिक संघर्ष करने को ही आज के रोज में तैयार नहीं है। बस हम जो कहे वही सही, ना खाता ना हुई, हम जो कहे वही सही। लोग बोलना ही बंद कर देंगे तो इस देश का लोकतंत्र खत्म होने में देर नहीं लगेगी। 22 तारीख का क्या महत्व है? बाईस तारीख का कोई राम से संबंध है? कोई पूजा पाठ करने का दिन है? क्योंकि पिछले 1970 के पहले इलेक्शन में शायद राम के नाम का इस्तेमाल हुआ था। तब से लेके आज तक हर चुनाव में राम ही के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है। आज से 40-45 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। अभी ये लोग निकलेंगे उधर से पूजा करके, फिर प्रसाद बांटने जाएंगे हर एक के घर में, फिर उसके बाद राम की कोई पुस्तिका निकलेगी वो बांटेंगे हर एक के घर में, तो ये देश में एक माहौल तैयार कर देंगे जो धर्म पे आधारित है और उसी के ऊपर वोट मांगेंगे। महंगाई मत बोलो, महंगाई के ऊपर मत बोलो, बेरोजगारी के ऊपर मत बोलो, आर्थिक ताकत के ऊपर मत बोलो। हम ये भूल ही गए इतिहास में कि राम, श्री राम का पहला शिलान्यास किसने किया था, किसने किया था? ये शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था। दोबारा शिलान्यास नहीं किया जाता इतिहास में। पर भूले कौन, बताए कौन? जिस जगह से मूर्ति उठाई गई उससे 3 किलोमीटर दूर तो राम मंदिर बन रहा है। मंदिर वही बनाएंगे, जगह नहीं बताएंगे। वो जगह 3 किलोमीटर दूर है। क्या बोले आप? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा तो कि राम लल्ला का जन्म यही हुआ है, वो स्थान जो उन्होंने बताया था वहां पे मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो ही नहीं रही है। तो तुम्हारे मन का राम, तुम्हारे जगह का राम और तुम्हारे मंदिर में राम, तो तुमने लॉक एंड की में बंद कर दिया राम को। अरे राम हमारा है, हम 22 तारीख को क्यों दर्शन ले, हम 23 को लेंगे, नई जमात 24 को लेंगे। और ये न्योता देने वाली बात कहां से आ गई? ये चतुर्वर्ण व्यवस्था की तैयारी कर रहे हो क्या कि हमारे पूछे बिना तो मंदिर में नहीं जा सकते? ये तो कालाराम मंदिर में जाके बाबा साहेब अम्बेडकर ने तोड़ दिया था ये बात को। ये नई व्यवस्था क्या है कि न्योता आना चाहिए? न्योता काहे के लिए न्योता? राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है, हम जब मर्जी चाहे जा सकते हैं मंदिर में। तुमको पूछ के जात बता के जावे क्या? और मेरा ये सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू को आज तक क्यों न्योता नहीं गया है? आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हो, द्रौपदी मुर्मू को बुलाते ही नहीं है। आप राम मंदिर
जो आज के दिन में सबसे बड़ा कार्यक्रम है विश्व में भारत के लिए, उसमें भी आप द्रौपदी मुर्मू को जानबूझकर बाजू में रखते हो, आपके दिल में है क्या? आप स्त्रियों का सम्मान नहीं चाहते हो? जिस राम ने शबरी के हाथ से बेर खाए थे उसके मुंह में लगाए हुए, इतना महत्व शबरी को रामायण में है, वो शबरी के व्यवस्था से जुड़ी हुई है ना हमारी राष्ट्रपति। माय प्रेसिडेंट इज लिंक्ड टू दैट लाइनेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, और जिनको वर्ण व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं था, तो आप उस वर्ण व्यवस्था को आज भी इतनी मजबूती दे रहे हो कि आप द्रौपदी मुर्मू को भूल ही गए, क्योंकि राम का सबसे अधिक संबंध 14 साल में उन्हीं लोगों से आया था, क्योंकि जंगल पहाड़ वहां कौन रहते थे? ये आदिवासी ही रहते थे ना, और उनके यानी जहां तक उनकी विचारधारा है तो वनवासी कहते हैं, तो राम वन में ही था ना, वो कहीं शहर में नहीं रहता था, तो वन में सबसे ज्यादा संबंध उनका किससे आया होगा?